प्यारे बच्चों, ई शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपके द्वारा किया गया हिंदी का समस्त कार्य अत्यंत सराहनीय रहा। पठन, वाचन, श्रवण व लेखन भाषा के चार कौशल माने जाते हैं, जिनसे हम समय समय पर परिचित होते रहे हैं। लेकिन इनमें से एक कौशल ऐसा है जिसमें सुधार करने का इससे उत्तम समय और कोई हो नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं लेखन कौशल की। लेखन एक कला है जो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो आज हम अभिरुचि अर्थात हॉबी कक्षाओं के माध्यम से आपके लिए सुलेख पर आधारित सामग्री लेकर आए हैं। इसमें हम सबसे पहले देवनागरी लिपि में वर्णमाला लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर। स्वर में जब हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपके पास सुंदर सा एक पेज होगा, चाहे आपके पास प्लेन पेज है या फिर इस तरह से उस पर लाइन लगी हुई है। जो पेज आपका लाइन लगा हुआ होगा, उसमें हमें हिंदी में 5 लाइनों वाले पेज की आवश्यकता होती है। इन 5 लाइनों में सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे। जब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, उसमें हमें 3 लाइनों का प्रयोग करना है। स्वर जब हम शुरू करेंगे, आप मेरे हाथ को देखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर अ। सबसे पहले आप इसको ऐसे घुमाते हुए यहां लेकर आए। बीच वाली जो लाइन है, वहां से अपने हाथ को दोबारा शुरू करेंगे, फिर एक सीधी रेखा लगाएंगे। रेखा लगाने के बाद शिरो रेखा लगानी है। शिरो रेखा हमेशा आ की पाई के ऊपर लगाई जाती है, अर्थात जो हमने सीधी रेखा लगाई है, शिरो रेखा केवल उसके ऊपर जाएगी। दूसरा आ। आ बिल्कुल आ की तरह है। शुरू करेंगे, घुमाते हुए यहां लेकर आएंगे, यहां से उठाकर पीछे लेकर जाना, फिर हमने एक सीधी रेखा लगानी है, दो शिरो रेखा केवल इन दोनों के ऊपर जाएगी। तीसरा ई। ई मेरा हाथ देखते जाएं, घुमाते हुए आपको ऐसे जब लाएंगे आप, जहां से आपने शुरू किया है उसी के नीचे घुमानी है, घुमाकर पूरा करने के बाद शिरो रेखा। के बाद आता है ई। ई तरीका वही हमारा छोटी ई वाला। पूरा बनने के बाद जब आप इस पर शिरो रेखा लगाने के बाद मात्रा लगाएंगे, ये रेड लाइन को टच करती हुई निकलेगी। ऊ में वही आ अनार की तरह घुमाते हुए यहां लेकर आए, घुमाते हुए आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएं और लगा देंगे शिरो रेखा। शिरो रेखा लगाना मत भूलें। ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ। फिर वही लाइनें, 5 लाइनें आपके सामने हैं, हमने प्रयोग करनी है केवल 3 लाइनें, अर्थात हम यहां से शुरू करते हुए इसको पीछे लेकर जाएं, इधर से लाएं, इधर लेकर जाएं, और ये हुआ हमारा बड़ा। बड़े ऊ के बाद आती है री। री ऋषि। इसमें मेरा हाथ देख कर जाएं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसान। यहां से आपको ऐसे दिखाना है, ये करके ऐसे करके यहां दिखाना है। इसके बाद हाथ उठाएंगे, घुमाते हुए उसको 2 बार घुमाते हुए छोड़ देना और ऊपर लगा देनी है शिरो रेखा। री ऋषि के बाद आती है ए। ए ए डी। मेरा हाथ देखते जाएं, यहां से मैंने स्टार्ट किया है ए ए डी। दोबारा से हाथ उठाएंगे, इधर करते हुए आप अंदर की तरफ जाएंगे, मिलाना नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है। उसके बाद शिरो रेखा। ए ए डी के बाद आता है आई एनक। आई सेम वही ए की तरह हाथ उठाया, थोड़ा हम पीछे की तरफ, मिलाना नहीं है, शिरो रेखा लगाई
अब हम लगाएंगे इसके ऊपर घुमाते हुए। यहां से आपने स्टार्ट किया है, घुमाकर आप नीचे की तरफ लाएंगे। ए आई। इसके बाद आता है ओ। ओ ओखली। वही पांच लाइनें आपके सामने, हमें प्रयोग करनी है केवल तीन। स्टार्ट करेंगे ऊपर से ऐसे घुमाते हुए हाथ को, यहां से आप लाए हैं यहां छोड़ देना है। दोबारा हाथ उठाएंगे जब, इधर से आप ऐसे आ अनार की तरह ये किया आपने। इसके बाद घुमाते हुए लेकर आए ऊपर से घुमाते हुए, ये बना ओ ओखली। ओ के बाद आता है औ औरत। औ औ औरत। सेम वही, इधर पीछे गए हम, फिर हमने इस तरह से दो पाई अर्थात सीधी रेखा लगाई है, शिरो रेखा। इसके बाद आप उसी तरह घुमाते हुए, यहां हमने एक लगाया था, यहां आप लगाएंगे दो। ओ औ। इसके बाद आता है अंगूर। अंगूर। उसी तरह से अनार की तरह, लेकिन सारा बनने के बाद हमने इसके ऊपर लगाना है छोटा सा गोला। गोला आप ज्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे। अंग अह। अह खाली। अह खाली। पूरा आ बना लिया। इसके बाद हमने शिरो रेखा लगाई, हमने दो छोटे छोटे गोले लगाने हैं। तो ये थे हमारे स्वर। एक बार आप दोबारा देखेंगे अ आ ई ई उ। उ री ऋषि। ए आई ओ औ। अंग अह। धन्यवाद।